जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, यहाँ पे हजारों की तादाद में सभी साधक भाई बहन यहाँ इकट्ठा हुए हैं पूज्य गुरुदेव के पूजन दर्शन के लिए। जितने भी संत हुए हैं सब पे आरोप लगे हैं, चाहे वो गुरु नानक देव हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे विवेकानंद हो, गौतम बुद्ध, वो भी उनके खिलाफ भी कितना कुछ बोला गया, लेकिन वो आज भी पूजे जा रहे हैं। और ऐसे ही वही प्रथा अब कंटिन्यू हुई, हमारे बापूजी के ऊपर भी आरोप लगाया गया है और लेकिन वो पूजे जाएंगे। और जो आरोप लगे हैं वो सरासर झूठे हैं। आप जो कहानी सुनिए लड़की बताती है, ऐसे कोई सेंस ही नहीं बनता है उसकी बातों का। और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो बापूजी को निर्दोष साबित करते हैं। सबसे पहली बात, लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ है नहीं, तो हम नहीं मान सकते कि किसी के साथ रेप या कुछ हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ उसका मेडिकल रिपोर्ट होती है। और महिलाएं, औरतें, बच्चियां, छोटे छोटे इतनी गुहार लगाती हैं बापूजी की रिहाई के लिए, तो ऐसे ही करोड़ों लोग किसी के पीछे नहीं भागते, तो हमेशा बापूजी के समर्थन में ही खड़े रहेंगे, क्योंकि जो हमें मिला है वो हम जानते हैं। अधर्म चाहे जितना भी मजबूत दिखे, लेकिन जीत आखिरी में धर्म की ही होती है। कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन जीते तो पांडव ही, धर्म जीत के रह गए। आज नहीं तो कल धर्म की ही विजय होती है और होके रहेगी। मेरा नाम गरिमा वाजपेयी है, मैं पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की शिष्या हूँ और कानपुर की रहने वाली हूँ मैं। और मेरी आयु 20 वर्ष है और मैं काफ़ी समय से इस आश्रम में आ रही हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, यहाँ पे हजारों की तादाद में सभी साधक भाई बहन यहाँ इकट्ठा हुए हैं पूज्य गुरुदेव के पूजन दर्शन के लिए। और गुरु पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसे व्यास पूर्णिमा नाम से भी जानते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुदेव की पूजा करने से आपको वर्ष भर की पूर्णिमा का फल मिल जाता है। लेकिन बापूजी के गुरुकुल में ही पढ़ने वाली एक लड़की ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, कहती है कि बापूजी गलत है, उसके बारे में क्या कहोगी? वैसे कहा एक बात बताऊं तो ये तो प्रथा ही चली आ रही है, जितने भी संत हुए हैं सब पे आरोप लगे हैं, चाहे वो गुरु नानक देव हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे विवेकानंद हो। गुरु नानक देव जी को भी जेल में बंद करवा दिया गया था, लेकिन वो आज भी पूजनीय हैं। और गौतम बुद्ध, वो भी उनके खिलाफ भी कितना कुछ बोला गया, लेकिन वो आज भी पूजे जा रहे हैं। और ऐसे ही वही प्रथा अब कंटिन्यू हुई, हमारे बापूजी के ऊपर भी आरोप लगाया गया है और लेकिन वो पूजे जाएंगे। और जो आरोप लगे हैं वो सरासर झूठे हैं। आप जो कहानी सुनिए लड़की बताती है, उसमें भी आप कहानी से ही जान जाएंगे कि मतलब पूरी तरीके से कैसे, कोई सेंस ही नहीं बनता है उसकी बातों का। और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो बापूजी को निर्दोष साबित करते हैं। जैसे सबसे पहली बात, लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ है नहीं, तो हम नहीं मान सकते कि किसी के साथ रेप या कुछ हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ उसका मेडिकल रिपोर्ट होती है, जिससे ये साफ साबित होता है कि बापूजी पूरी तरीके से निर्दोष हैं। वो कहती है कि आश्रम में गलत होता है, आश्रम में गलत होता है, तो करोड़ों लड़कियाँ आश्रम में कैसे आ जाती हैं और रोती हैं आकर के बापूजी के लिए। हर महिला दिवस पर कितनी महिलाएं, औरतें, बच्चियां, छोटे छोटे इतनी गुहार लगाती हैं बापूजी की रिहाई के लिए, तो ऐसे ही करोड़ों लोग किसी के पीछे नहीं भागते। बापूजी में इतने गंभीर आरोप लगे हैं, दो दो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दे दी है, उसके बाद भी आप बापूजी के समर्थन में खड़ी हो, क्यों? जी, हम तो हमेशा बापूजी के समर्थन में ही खड़े रहेंगे, क्योंकि जो हमें मिला है वो हम जानते हैं और वो किसी को बताया नहीं जा सकता। कोई चीज़ खाएंगे ना तो उसका स्वाद जो आएगा, जो स्वाद चखेंगे, वो मैं बोल के तो नहीं बता पाऊंगी ना, जो वो खाएगा उसको ही पता चलेगा। तो हम बापूजी से जुड़े हैं, हमें बापूजी से क्या मिला है ये हम शब्दों में अपनी सारी ज़िंदगी भी बिताते रहे। आप मुझे पूरी ज़िंदगी यहाँ खड़ा रखें, मैं तब भी नहीं बता पाऊंगी कि क्या मिला है। इतना मिला है, हर पल मिलता ही रहता है। बापूजी पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है, उसके बाद भी श्रद्धा में कमी नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं? हाँ, बापूजी जोधपुर की जेल में, उन्होंने जोधपुर की जेल को जेल मंदिर बना दिया है, श्रद्धा में कोई कमी नहीं आ रही है। वो जेल गए, जेल भी मंदिर बन गई। ऐसे हमारे बापूजी इतने स्वच्छ, पवित्र, मतलब क्या कहें, उनके लिए शब्द भी नहीं है, सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। और कितने साधक जोधपुर की जेल के बाहर गुरु पूर्णिमा, दिवाली, होली दिवाली लोग अपने घर में ना मनाकर जेल मंदिर में मनाते हैं जाकर के, ऐसी श्रद्धा है। को विश्वास है कि बापूजी का सानिध्य फिर से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अधर्म कब तक जीतेगा? देखिए, अधर्म चाहे जितना भी मजबूत दिखे, लेकिन जीत आखिरी में धर्म की ही होती है। कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन जीते तो पांडव ही, धर्म जीत के रह गए। आज नहीं तो कल धर्म की ही विजय होती है और होके रहेगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।